Good morning, kids. Say good morning. Let's start first prayer. So stand up, everyone. Join your hands and close your eyes. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the bird that sing. Thank you, God, for everything. Slowly, slowly open your eyes. Rub your palm and put on your face. Okay. Today we will learn new rhymes. सबको सीखनी है rhymes. हम कौन सी rhymes सीखने वाले हैं पता है? Two little dicky bird की. ये कौन है? Bird है ना? Dicky bird. तो इसके related मैं आपको आज craft भी कराने वाली हूँ. पर पहले हम क्या बोलेंगे? Rhymes बोलेंगे. You all have to do action with me. Yes? Two little dicky bird sat on a wall. बोलो मेरे साथ, repeat करो. Two little dicky bird sat on a wall. One name Peter, other name Paul. बोलो, one name Peter, other name Paul. Fly away Peter, fly away Paul. Fly away Peter, fly away Paul. Come back Peter, come back Paul. Okay, one more time, repeat again with me. Okay, two little dicky bird sat on a wall. One name Peter, other name Paul. Fly away Peter, fly away Paul. Come back Peter, come back Paul. तो ये सबको घर पे rhymes बोलनी है ना? Repeat and repeat. तो इससे जल्दी learn हो जाएगी. तो आप सब लोग rhymes बोलोगे ना? Okay kids, तो next हम क्या बनाने वाले हैं? ये डिक्की बर्ड बनाने वाले हैं, है ना? डग. इसको क्या बोलते हैं? डग. उसकी देखो टू आईज, वन बीक. और पता है डग कहाँ रहता है? पानी पे. यस, पानी के ऊपर तैरता है. तो सब बनाओगे घर पे. तो उसके लिए पहले आपको क्या चाहिए? एक सर्कल, ब्लू पेपर और टू रेक्टेंगल शेप के आपको येलो कलर के टू पेपर चाहिए, है ना? एंड उसके आपने आपने उसके हैंड देखे, तो उसके लिए हमें से और टू मोर पीस चाहिए पेपर के, लाइक दिस. यस. एंड उसके ये वेबबेड फिट होते हैं उनके, इसलिए वो इजीली स्विम कर सकते हैं. तो हमें ऑरेंज कलर के टू मोर ऐसे पेपर चाहिए और हमें टू आईज के लिए ये व्हाइट पेपर, वो भी कौन से शेप में? सर्कल शेप में. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? ऐसे पेपर को स्टिक कर देना है, लाइक दिस. जो टू कॉर्नर होती है उसको हमें ऐसे स्टिक कर देना है. किसके हेल्प से? इसके लिए आपको फेविकॉल भी चाहिए, है ना? पेपर, वन पेपर स्टिक करके ऐसे राउंड बना देना है. यस. देन सेम हमें ये दूसरा जो स्ट्रिप है उसको भी ऐसे हमें जॉइन कर देना है. किसकी हेल्प से? फेविकॉल से. ओके, तो सबने कर लिया. अब हमें ये एक के ऊपर ऐसे एक ऐसे रखना है. ओके, देखो लाइक दिस.
ऐसे जो टू रोल हमने बनाए उसको एक के ऊपर ऐसे स्टिक कर देना है जो आपको ये डक में दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, डिक्की बर्ड के टू हैंड्स बनाएंगे। वैसे बर्ड के हैंड होते हैं नहीं, उसके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, है ना। तो टीचर ने ये टू पेपर विंग्स के लिए कट किए हैं। तो आपको ऐसे इसको भी फेविकॉल की हेल्प से ऐसे स्टिक कर देना है। जहां ये दो सर्कल हमने स्टिक किए हैं उसी जगह पे हमें ये स्टिक करना है। सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाटर बनाया है सर्कल में उसके फर्स्ट हम उसके लेग स्टिक कर देंगे। अब केयरफुली देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो उसको हमें ऐसे पास पास में स्टिक कर देना लाइक दिस। अब हमें ये जो टू सर्कल टीचर ने ये कट किए है वाइट पेपर से, उसमें हमें ये ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच पेन ब्लैक कलर से ऐसे डॉट कर देना है। किसके लिए, उसकी आईज के लिए। कितनी आईज होती है आपकी, कितनी आईज है, टू आईज है ना। तो डॉग की भी टू आईज होती है। तो देखो आपको दिख रहा है कैसे स्टिक करना है हमें, लाइक दिस। अब हमें नेक्स्ट ये यहाँ पे नीचे की साइड फेविकॉल से ऐसे स्टिक कर देना है। अब इसकी बिक को हम कहाँ स्टिक करेंगे बताओ मुझे पहले। ये टीचर ने ऐसे बिक्स बनाई है ऑरेंज पेपर से, तो उसको भी हमें यहाँ स्टिक कर देना है जस्ट उसकी आइस के नीचे। तो सबने उसकी बीक स्टिक कर ली ना। तो पहले क्या, टू पीस के हमें रेक्टेंगल ऐसे शेप के येलो पेपर लेने हैं, उसको ऐसे राउंड बना के स्टिक कर देना है। देन टू विंग्स जो मैंने आपको शेप दिखाया था, देन टू आईज और ब्लैक मार्कर से या ब्लैक स्केच पेन से ये ब्लैक डॉट करने हैं। देन उसकी बीक हमें स्टिक करनी है ना। और उसके ये लेग्स भी हमने ऑरेंज कलर के स्टिक किए हैं ना। और ये क्या है, वाटर। तो डक कहाँ रहता है, वाटर में। नाउ नेक्स्ट आई विल शो यू अ वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 13। सबको दिख रही है, तो उसमें भी हमें क्या करना है, कलर द डक। जिसका हमें क्राफ्ट बनाया है वो ही हमें डक में कलर करना है। तो डक का कलर कौन सा होता है, येलो। तो हमें कैसे करना है, येलो कलर ऐसे। ओके एंड से आई एम कलर। सबको प्रॉपरली बाहर नहीं जाना चाहिए कलर। ओके धीरे धीरे और प्रॉपरली करना है ताकि कलर बाहर नहीं जाए। और नीचे ये क्या है, वाटर। वाटर के लिए हम ब्लू कलर लेंगे। तो इसको कैसे करना है, लाइक दिस। एंड ये क्या है, उसकी बी बी कौन से कलर की होगी, ऑरेंज। सो वी हैव टू कलर इन इट। ओके तो आप करोगे ना ये घर पे कलर। तो ये कौन सा बर्ड है, ड। येलो ब्लू एंड ऑरेंज कलर यूज करना है आपको, थ्री कलर। ओके बाय बाय किड्स।